हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिल्पी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ हम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं और हमने यहाँ पैकेजिंग की है बहुत सारी। तो हमें शादी में जानी है और हम जा रहे हैं पटना। वहाँ पे मेरी ननद रहती हैं जिनकी लड़की की शादी है और हम सब उसी शादी को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आप लोग को पटना में मिलती हूँ। और आज यहाँ पे मटकोर होने जा रहा है तो हम सब बस उसी के लिए निकले हैं। और ये देखिए मेरी छोटी ननद है, यहाँ मटकोर गंगा घाट पे होगी। और ये देखिए ये गंगा घाट है, वहाँ आयुष है, आदर्श है और मेरी छोटी देवरानी है। और इस घाट पे हम सब आ चुके हैं। बाकी सब यहाँ पे जो ननद के रिश्तेदार हैं वो सब हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं गंगा घाट बहुत ही खूबसूरत बन चुका है और बहुत सुंदर लग रहा था। जो मटकोर की रस्म है वो रात के समय में होती है, उतना अच्छे से सब दिख तो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी जो भी दिख रहा था वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और यहाँ पे रस्म हो रही थी मटकोर की, अलग अलग जगह की अलग अलग रस्में होती हैं और सभी लोग अलग अलग तरीके से अपनी रस्म निभाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ये सब मेरे लिए भी अलग था क्योंकि हमारी जो रस्में हैं वो थोड़ी सी इन लोगों से अलग है और इन लोगों की रस्में हैं वो इन लोग हमारे से थोड़ी सी अलग है। तो ये सारी जो रस्में हो रही हैं वो सब मेरे लिए भी नया था। तो आप सब भी इन रस्मों को देखिए। यहाँ देखिए ये अंधेला हो चुका है और अंधेले में यहाँ का व्यू जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। ये गंगा घाट का किनारा है और यहाँ मेरी मम्मी जी खड़ी हैं। यहाँ हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और आप भी इन रस्मों को एंजॉय कीजिए। यहाँ जो है मटकोर के लिए ये सब अपना लोकगीत गा रहे थे, तो पता नहीं आप सबको समझ में आएगा कि नहीं, पर फिर भी ये जो भी है सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ सभी औरतें एक दूसरे से हंसी मजाक भी कर रही थी और अपना लोकगीत भी गा रही थी। ये शुभ होता है इन्हें गाना, तो आप सब भी इंजॉय कीजिए। कहाँ के पियर माटी, कहाँ के पियर माटी, कहाँ के राजा बेटी, गंगा जी के पियर माटी, पटना के गंगा जी के पियर माटी, पटना के कुदारी, पटना के राजा बेटी, कोड़ले माटी है, पटना के राजा बेटी, कोड़ले माटी। इस रस्म में ननद और भाभी जो हैं वो इस रस्म को पूरा करती हैं और इस रस्म को करने के लिए दुल्हन को साथ में नहीं लाते हैं। और ये रस्म लगभग सब में सेम ही होती है, बस थोड़ा सा करने का तरीका अपना अपना अलग अलग होता है। तो इस रस्म के बारे में मुझे भी ज़्यादा कुछ जानकारी तो नहीं है, बट आप सब देखकर एंजॉय कर सकते हैं। और इधर हमारी मस्ती भी बच्चों की चालू थी। यहाँ पे सिंदूर लगा के उसके ऊपर पान का पत्ता रखा गया है और छोटे छोटे जो बास्केट वगैरह होते हैं वो उन सबको रखा गया है। नहीं
चमचम करते बाल बाबू रोनोज अतीक देवे कलकतिया से अंदर बार के सिंगार बाबू रोन एक हाथ से ना ना घुमा दे हाउ आल है जब तक ये लोग रस्म कर रहे हैं तब तक मैं आप लोगों को साथ ही साथ नदी का नज़ारा दिखलाती हूँ, यहाँ का व्यू दिखलाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए आप पीछे में, यहाँ गंगा नदी जो है वो प्रवाहित हो रही है और पीछे जो है दूर दूर तक लाइट दिख रही है। क्या होता है कि जो अलग अलग किनारा होता है वहाँ पे कहीं कहीं लाइटिंग वगैरह होती है, सजाया जाता है लाइट से, और कहीं कहीं पूजा अर्चना की जाती हो है। तो पीछे में आपको जो दिया जलते दिख रहा होगा वहाँ आरती वगैरह भी की जाती है और पूजा भी की जाती है। और यहाँ पे भी थोड़ा ये देखिए लाइट से सजाया हुआ था, कुछ यहाँ डेकोरेट करने के पर्पज़ से बना हुआ था। और यहाँ पे आयुष आदर्श आप सबको हाई कर रहे हैं, और इन लोगों को तो खेलने के लिए मस्ती के लिए जगह मिल गया था। और यहाँ मम्मी जी भी हैं, और यहाँ पे लगभग पूरी रस्म हो चुकी थी और हम सब बस अब घर के लिए निकलने वाले थे। और वीडियो पसंद आया हो आज का आप सबको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और मैं आप लोगों के साथ मेहंदी बारात सबकी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और ये मेरी ननद का घर है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।